सैयद अंसारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, साबक मेंबर पंजाब बार काउंसिल हूँ। मैंने सुना है कि जब आपने ये तबलीग का सिलसिला शुरू किया था तो उस वक्त आपके ऊपर बड़ी गुर्बत थी। अब आपने कितनी कोठियां बनाई हैं, कितने बंगले बनाए हैं, क्या असासा जात बनाए हैं, इसके बारे में आप जरा हमारी रहनुमाई फरमाए ताकि हम दूसरे दोस्तों को बता सके कि हमारा अमीर करीब 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 पूरी दुनिया में फैली हुई तहरीक, जिस तहरीक का सिर्फ एक दिन का खर्चा तकरीबन तीन करोड़, जिस तहरीक के तकरीबन 30,000 लेने वाले एम्प्लाइज, जिनमें से 7,200 फीमेल्स, जिस तहरीक के लिए 2 लाख से भी ज्यादा करने वाले एम्प्लाइज जो अपने काम की डिटेल करवाते हैं, जिस तहरीक कई लाख ऐसे वाबस्तगान जो अपने लेवल पर इस तहरीक का काम करते हैं, जिस तहरीक के साथ करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, आइए देखते हैं कि उस तहरीक के बानी का अपना बैंक बैलेंस क्या है और किस इंटरनेशनल बैंक में उनके अकाउंट्स हैं। आप देख रहे हैं फियास मीडिया, मल्टी टॉपिक्स यूट्यूब चैनल। वैद्य के वो रिसर्चर, जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, मुस्लिम एंड द मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद इरफान भट्टी राजपूत अतारी। वेयर फियास स्टैंड फॉर फैजान अख्तर हुसैन बशीर। ये एक मल्टी टॉपिक यूट्यूब चैनल है जिसके डिफरेंट टॉपिक्स को डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिवाइड किया गया है और बहुत जल्द और भी बहुत कुछ नया हम आपके लिए इसी चैनल पर ला रहे हैं। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करें। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ बने रहने के लिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब पर क्लिक करें, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि आप हमारी हर इम्पोर्टेंट अपलोड होने वाली वीडियो को पहले देख सकें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और हम आपके लिए क्या कुछ नया ला सकते हैं। अगर कोठियां और बंगले और बैंक बैलेंस बना लिया होता तो शायद मेरे लिए नूर की बरसात की दुआएं कौम ना करती। उसमें ऐसा है कि अब मैं तो क्या अर्ज करूं कि मैं इस वक्त जैसे जब मैं बैठा हूं, मुझ पर जकात फर्ज नहीं है, मुझ पर जकात फर्ज नहीं है, बल्कि नऊज बिल्ला में जकात मांग नहीं रहा। अल्लाह इससे महफूज रखे, मेरे को मेरी आल को भी महफूज रखे। वो अगर जैसे कोई मुझे जकात दे ना, उसकी जकात हो जाएगी, मैं इस पोजीशन में हूं। अब बताइए, अब मेरी कितनी कोठियां, मेरे कितने बंगले, सुन लीजिए ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये कि मेरे को तो कभी मैंने जिंदगी में चेक नहीं लिखा। क्या बैंक बैलेंस, किस तरह अकाउंट खुलता है, खुलवाते हैं, कुछ अपने को सुचका पड़ता नहीं है। जैसे जो मशहूर लोग होते हैं या लीडर टाइप के जो लोग होते हैं ना, कायदीन और इस तरह, अगर इस तरह की शख्सियत में अगर कोई मुझे शामिल करना चाहे और वो कर ले, तो कम से कम पाकिस्तान में शायद इन सारी शख्सियत के असासा जा देख लें तो हो सकता है कि मुझे गरीब तरीन वो करार दे देंगे, यार ये इसके बाद कुछ नहीं है शायद। लेकिन मैं ये बता दूं, मैं बड़ा अमीर ओ कबीर हूं, शायद ओ सरा का असीर हूं। मैं बड़ा अमीर ओ कबीर हूं, शायद ओ फकीर हूँ, दरे मुस्तफा का फकीर हूँ, मेरा रिफ़